लास्ट ईयर मुझे अभी भी याद है मुंबई में अवार्ड्स हुए थे विमेन डे पे के बेस्ट नोन फेस बेस्ट अचीवर बेस्ट नोन फेस अवार्ड उनको अवार्ड्स देने थे तो बॉलीवुड से भी बड़े बड़े स्टार्स आए थे बहुत लोग थे सबसे पहला नॉमिनेशन था राखी गुलजार जी का राखी गुलजार जी आपको कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है अब राखी जी आ रही है स्टेज पे पीछे देखती हुई आ रही है राखी जी तो हमारे यहाँ के ने पूछा राखी जी क्या हो गया आप पीछे देख रही हैं कोई और भी आने वाला है आपके साथ अवार्ड लेने तो राखी जी ने क्या बोला मेरा करण अर्जुन आएंगे धरती का सीना चीर के आएंगे मेरे करण अर्जुन आएंगे आएंगे राखी जी ये विमेन अवार्ड है यहाँ पे करण अर्जुन क्या करेंगे देखिए चलिए छोड़िए सब फीमेल्स बैठी हैं ऐसे लग रहा है लेडी संगीत हो रहा है आप छोड़िए आप ये छोड़िए आप कुछ अलग हो जाए कोई शेर सुनाइए कोई जोक सुनाइए ये करण अर्जुन आएंगे आएंगे मत प्लीज प्लीज ओके मैं ऐसा शेर सुनाऊंगी कि सब हंस हंस के गिर जाएंगे मैं ऐसा शेर सुनाऊंगी कि सब हंस हंस के गिर जाएंगे और अगर नहीं गिरे मेरे करण अर्जुन आएंगे मेरे करण राखी जी प्लीज नीचे जाके बैठिए करण जौहर अर्जुन रामपाल अभी आ रहे नीचे जाइए राखी जी नीचे चलेगी दूसरे नंबर पे कौन आया शर्मिला टैगोर सैफ की मम्मी और करीना की सास अभी शर्मिला जी बहुत बहुत स्वागत है आपका आप तो यूथ आइकॉन रही हैं शुरू से ही मतलब फीमेल्स आपको फॉलो करती आई हैं एक ऐसी टिप चाहते हैं जितनी भी हमारे सामने अनमैरिड गर्ल्स हैं उनको क्या कहना चाहेंगी भाई लड़कियों ये कहूँगी शादी के लिए ये तीन बातों का ख्याल रखो बेटी हेतल तुम भी सुनो पहला लड़का बहुत सुशील हो दूसरा लड़का बहुत घरेलू हो तीसरा लड़का बहुत कमाऊ हो और चौथा सबसे खास पॉइंट ये है कि तीनों लड़के एक दूसरे से कभी मिलने नहीं चाहे शर्मिला जी को नीचे भेज दिया गया तीसरे नंबर पे कौन आया सोनिया गांधी जी सोनिया गांधी जी साड़ी पहनकर पोनीटेल करके स्टेज पे आई और आते ही भाषण देना शुरू कर दिया मैं भारत की बाओ ऐलान करती हूं कि नारी अबला नहीं बला है सोनिया जी वुमेन अवार्ड क्या कर रही नारी सबला है सबला सबला हाँ नारी तबला है जिसमें सुबह शाम बजते रहने की कला है चक दे इंडिया सोनिया जी नीचे जाके बैठे मुझे लगता है ये अवार्ड आपको मिलेगा प्लीज 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 सबसे एंड में किसे बुलाया गया मेलेडी क्वीन सुर कोकिला महाराष्ट्र की धरती की शान आन इनफैक्ट हमारे पूरे वर्ल्ड की शान यानी कि नाइटिंगेल यस लता जी के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए एवरीवन लता जी हमारे बीच में आ चुकी हैं लता जी बहुत बहुत प्रणाम आपको ये पूछना चाहेंगे दीदी ये आजकल गाने क्या बन रहे हैं क्या गाने हैं ये मतलब हुक्का बार चार बोतल वोडका हैंगओवर और क्या ये मतलब कैसे डीके बोस क्या गाने हैं आपके ज़माने में क्या गाने होते थे तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे नमस्कार बेटा हमारे समय में होते थे किशोर दादा रफ़ी दादा और आजकल के गाने सुनो तो पता ही नहीं चलता कि कौन नर है और कौन मादा बिल्कुल ठीक है दीदी लेकिन मेरे मन में एक सवाल है सॉरी मुझे माफ़ कीजिएगा कि ये जो गाना है जैसे डीके बोस अगर ये गाने आपको गाने को कहा जाता तो आप गाती भाई अब कला ही मेरी पूजा है ज़रूर गाती बेटा ज़रूर तो ठीक है दीदी ट्रेलर हो जाए एक मैं आपको लिरिक्स बताती हूँ वो एक गाना ऐसा है डैडी मुझसे बोला तू गलती है मेरी तुझ पे जिंदगानी गिलती है मेरी साबुन की शक्ल में बेटा निकला तू तो जाग भाग भाग डीके बोस डीके बोस डीके बोस ये तो आप गा दीजिए अच्छा भाग डीके बोस डीके बोस भाग डैडी मुझसे बोला तू गलती है तुझ पे जिंदगानी गिलती है मेरी भाग डीके बोस
भाग डिगे बोस साबुन की शक्ल में तू तो निकला छान। भाग डिगे बोस जोरदार ताले हो जाए लता दीदी के लिए। क्या बात है भाई। देखिए विमेन डे है तो ये कहूँगी कि हमारे शास्त्रों में नारी को शक्ति कहा जाता है और शिव में जो ईह की मात्रा है यानी कि नारी, अगर वो हटा दी जाए तो शब बन जाता है। तो भाई बिना नारी के कोई भी शक्ति इस दुनिया में पॉसिबल ही नहीं है। और बेटी हेतल, मैं भी अभी तक कुंवारी हूँ। दीदी फॉर एवर। वाई शुड बॉयज़ हैव ऑल द फन